हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज, आप देख रहे हैं यादव गलत चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज मेरे सामने खड़ी हुई है भाई चमचमाती हुई MT-15। ये है MT-15 V2 वर्जन यामाहा का, फुल्ली ब्लैक कलर है मेरे सामने। एलॉय व्हील आप देख सकते हैं सामने, और ऑरेंज कलर के हैं पूरे के पूरे। फुल एसेसरीज लगी हुई है गाड़ी के ऊपर, गाड़ी बिल्कुल न्यू ब्रांड खड़ी हुई है मेरे सामने, आप देख सकते हैं। MT-15 E20 पेट्रोल सपोर्ट का साथ मिलता है पूरी की पूरी गाड़ी के में आपको, ठीक है। उसके बाद में यार फुल्ली ये बाहर से आफ्टर मार्केट फिटिंग कराया गया है, गाड़ी ऐसी नहीं आती, लेकिन लुक देखो आप इसका पूरी साइड से, चारों साइड से ये मुझे काफ़ी प्यारी गाड़ी लगती है। 155 सीसी के अंदर आती है, ये देखो यार पीछे से आगे से साइड से सारे ही लुक मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये है हमारी MT-15 V2, अभी ये ऑन रोड पड़ रही है गाड़ी, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। फिलहाल मैं कुछ स्पेसिफिकेशंस बताता हूँ मैं आपको। 155 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है गाइज। उसके बाद में ये 18.1 BHP की पावर निकालती है, मैक्स पावर जो कि 10,000 RPM जाती है, और टॉप स्पीड है इसकी भाई 143 किलोमीटर की, जो जस्ट अभी हमने अभी चेक की है। और इसको बोलते हैं MT-15 V2 मोटो GP एडिशन वाला, क्योंकि भाई इसका ना बहुत ही प्यारे तरीके से आप देख सकते हैं सामने के सामने। MT-15 में ना काफ़ी सारे कलर वेरिएंट आते हैं। MT-15 V2 स्टैंडर्ड करके आता है, डिस्क ब्रेक एलॉय व्हील वाला, उसकी प्राइस है ऑन रोड 1,95,206 रुपये। इसके बाद में MT-15 V2 डीलक्स करके आता है, उसकी प्राइस है ऑन रोड 1,99,604 रुपये। हमारे सामने खड़ी है MT-15 V2 मोटो GP एडिशन, उसकी प्राइस है 2,01,254 रुपीज़ ऑन रोड। अब भाई इसके है ना, आप है ना स्पेसिफिकेशंस देखो यार, मैक्स पावर 18.1 BHP की, जो कि RPM जाती है 10,000, और मैक्स ट्रॉन निकालती है 14.1 NM जो कि 7,500 RPM जाती है। 6 गियर दिए हुए हैं इसके अंदर गाइज, ठीक है। 48 किलोमीटर पर माइलेज दिया हुआ है, 48 का माइलेज देगी। दोनों ही आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे विथ एलॉय व्हील। ये देखो फ्रंट वाला डिस्क ब्रेक गाइज, और बैक वाला डिस्क ब्रेक, दोनों ही आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। डेल्टा बॉक्स करके मिलती है, टॉप स्पीड मैंने आपको बता दी, ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे आपको दोनों ही दोनों। और फ्यूल टैंक की बात करूं तो गाइज E20 पेट्रोल सपोर्ट के साथ में, ये देखो E20 पेट्रोल का सपोर्ट, और 10 लीटर का आपको इसके अंदर फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि मुझे काफ़ी प्यारा लगा गाइज। 155 सीसी के इंजन में इतनी सारी ताकत है, कुछ कह नहीं सकता हूँ। अभी ये गाड़ी है ना काफ़ी लंबा ड्राइव करके आई है, ये गाड़ी हम ग्वालियर से लेके गए थे नैनीताल, और नैनीताल तक ये चल के आई है। टोटल हमने इसको 1900 किलोमीटर चला दिया है। जो गाड़ी की स्पीड है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ठीक है। सिंगल सिलेंडर आता है, 1 गियर डाउन नीचे जाएगा और 5 गियर ऊपर लगाओगे आप, ठीक। ये चीज़ें इसके अंदर आपके अंदर मिल जाएंगी। लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है, असिस्टेंट एंड स्लीपर क्लच मिल जाएगा आपको, फ्यूल इंजेक्शन मिल जाएगा इसमें, 1.6 लीटर फ्यूल होना ही चाहिए, VS6 फेस 2 मिल जाएगा, और पेट्रोल है गाइज। गाड़ी का जो पूरा वजन है ना वो 141 kg का है। सीट की हाइट, सीट जो हाइट है ना पूरी की पूरी, वो आपको 810 mm की मिल जाती है, और ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का मिलता है गाइज। ये देखो सिंगल आता है इसके अंदर, सिंगल वो आता है क्या नाम, स्टैंड डबल हैंडल नहीं आता है गाइज। और गाड़ी की पूरी लंबाई है वो आपको 2015 mm की मिल जाती है, और ओवरऑल जो चौड़ाई है गाड़ी की वो 800 mm की मिल जाती है। फ्रंट लुक देख के आप सामने देख सकते हैं, और ओवर हाइट आपको गाड़ी की मिल जाती है 1070 mm, और व्हील वेस की बात करूं तो आपको 1335 mm मिल जाता है डेल्टा बॉक्स करके। अब आते हैं इस गाड़ी की सारी चीज़ों पर। स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है कंपनी से 2 साल की, जिसमें आपको 30,000 किलोमीटर तक आप गाड़ी आराम से चला सकते हैं। फर्स्ट सर्विस जो कराई जाती है वो गाड़ी की होती है 1,000 किलोमीटर पे, उसके बाद में सेकंड सर्विस होती है इसकी 5,000 किलोमीटर पे, एंड थर्ड सर्विस होती है इसकी 9,000 किलोमीटर पे, एंड फोर्थ सर्विस होती है इसकी 13,000 किलोमीटर पे। ये तो इसकी सारी भाई वो हो गई सर्विसेज के बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा गाइज। AVS सिस्टम मिल जाता है इसके अंदर आपको, अभी कुछ बातें करते हैं फटाफट फटाफट। ये देखो गाइज इस तरीके से आपको है ना एलॉय व्हील मिलता है,
एलॉय व्हील जो काफ़ी प्यारा है। टायर साइज जो गाड़ी का मिलता है वो आपको 180-17 इंचेस का अगला वाला टायर मिल जाएगा आपको। अब चलते हैं बैक पे, यहाँ पर जो लाइट है वो आपको LED मिल जाती हैं दोनों की दोनों, और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लैंप लगा हुआ मिल जाएगा लाइट के लिए। यहाँ पर आप अपनी नेम प्लेट लगाएंगे। आगे से देखो तो ऐसी लग रही है ना गाड़ी, भाई क्या बताऊँ मैं आपको यार, गाड़ी कितनी कमाल की लगती है ये वाली भाई। MT15 के तो जलवे हैं, 155 CC के इंजन के भाई, इतने जलवे तो मैंने कभी नहीं देखे हैं। ABS सिस्टम के साथ में ब्लैक कलर की है पूरी की पूरी गाड़ी। अब पिछला वाला जो इसका टायर साइज़ है ना, वो आपको डिस्क ब्रेक के साथ में क्या दिया है इसका टायर साइज़ गाइज, एक सेकेंड, पिछला वाला भी आपको 17 इंचेस का टायर साइज़ मिल जाएगा गाइज, वो भी क्या नाम है एलॉय व्हील ऑरेंज कलर में, जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये कवर आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, इनकी क्या क्या प्राइस है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं इसके मीटर पे, कि मीटर पे आपको ये क्या क्या चीज़ दिखाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है कुछ इस तरीके से गाइस, इसका आपको मीटर मिलेगा ये साफ, एक सेकेंड इसको इस तरीके से घुमाओ फिर साफ आएगा गाइस। थोड़ा सा गाड़ी के ऊपर बैठ जाता हूँ मैं, गाड़ी का एक बार मैं आपको साउंड और चेक कराता हूँ, गाड़ी का साउंड कितना ही प्यारा दिया हुआ है। देखो 6 गियर है, मैं गियर वाइज गियर चेक करता हूँ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा सारे के सारे गियर कि कैसे कैसे चेंज करते हैं। अभी गाड़ी न्यूटन खड़ी हुई है, और गाड़ी का साउंड चेक करो आप, ये देखो गाइस, चेक दिस साउंड गाइस, गाड़ी का क्या अमेजिंग साउंड आ रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ी ऑन खड़ी हुई है पूरी की पूरी, और गाड़ी का साउंड देखो आप, क्या कमाल का साउंड आ रहा है गाइस। अमेजिंग साउंड यार, क्या क्लियरिटी है साउंड, अमेजिंग क्लियरिटी गाइस, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अभी ये है इसका मीटर, अभी आपको प्रॉपर तरीके से बताते हैं। ये हमारी चाबी है, कुछ इस तरीके से आपको चाबी मिलेगी लगाने के लिए गाड़ी में। यहाँ पर नीचे चाबी लगाई जाती है, यहाँ से आप अपना फ्यूल टैंक ओपन करेंगे गाइस इस तरीके से। ये देखो ये बंद कर देते हैं इसको, 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है आपको, और एक फुल टैंक में ये गाड़ी आराम से आपको 400 किलोमीटर तक चला देगी। ये देखो गाइस इस तरीके से ये स्टार्ट होती है, हाई लिखा हुआ आता है। अभी गाड़ी न्यूटन है, यहाँ पर गियर का साइन दिखाएगा, ये पूरा RPM जाएगा इस तरीके से। अभी 0 है, फ्यूल टैंक 1 आ रहा है, किलोमीटर दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे ही मैं गाड़ी को स्टार्ट कर दूंगा ना, तो ये देखो इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है। RPM 13 तक दिया हुआ है, यानी कि 13,000 तक दिया हुआ है गाइस। अभी गाड़ी बंद करते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आती है। यहाँ पर मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ, यहाँ पर सेट और रीसेट कर सकते हैं। ये हमने बाहर से लगाया हुआ है मोबाइल के लिए देखने के लिए। यहाँ पर हज़ार्ड बटन ऑन करने के लिए चीज़ें लगवाई गई हैं इस तरीके से। ये देखो दोनों ही ब्लिंक कर रहे हैं, एक बटन लगवाया है जिससे हमारे इंडिकेटर देखो इस तरीके से ब्लिंक करेंगे, 1 by 1 दिख रहे हैं आपको। इसे बंद कर देते हैं, यहाँ पर एक और लाइट लगवाई गई है, ये देखो नीचे लाइटें दोनों ऑन हो जाएंगे इस तरीके से, जो आफ्टर मार्केट लगी हुई है, ये ब्लू कलर की जो जल रही है नीचे, और ये है ना इसके ऊपर एक लाइट लगी हुई है रेड कलर के, जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, आफ्टर मार्केट लगी हुई है। अब इसे यहाँ से हम बंद कर देते हैं, तो ये दोनों बटन तो आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। ये हमारा हो गया चालू करने के लिए गाड़ी के लिए बटन, और ये हमारा हो गया सेल्फ, ये ऑफ और ये ऑन और ये स्टार्ट इस तरीके से, यहाँ से ऑफ हो जाएगी इस तरीके से गाइस। ये हमारा हो गया आगे वाला डिस्क ब्रेक का, जिसमें ऑयल डाला जाता है। अब आते हैं सेकंड साइड में, ये हमारा हो गया बटन जो हेडलाइट का है, ये हमारा हॉर्न हो गया, ये इंडिकेटर हो गया गाइस नीचे वाले, ठीक है। इस तरीके से ये गाड़ी मुझे इतनी पसंद है। ये हमारे भाई मिरर हो गए इस गाड़ी के, जो कि सिंपल यार यामाहा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है आपको इसके ऊपर। गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से लगता है, ब्लैक पैंथर बोलते हैं इसको, ब्लैक पैंथर, काला भाई, बिल्कुल ब्लैक पैंथर जैसी लगती है ये गाड़ी, ठीक है। इसके अंदर आपको यहाँ पर ये कूल्ड इंजन मिल जाता है पूरा का पूरा, इसमें है ना क्या नाम है ऑयल भी डाला जाता है, उसको कूलेंट भी भरा जाता है गाइस। ये लाइट कुछ इस तरीके से आफ्टर मार्केट लगी हुई है, ये भी आपको आफ्टर मार्केट ही मिलेगा, ये इसका जो है पूरा कंप्लीट आफ्टर मार्केट है। ये सारी चीज़ें हैं इस गाड़ी की। अभी इसका चाबी ऑफ कर देते हैं गाइस, और इस बटन को भी ऑफ कर देते हैं। तो ये है प्रॉपर गाड़ी, आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये गाड़ी जो मुझे पड़ी है वो पड़ी है 2,28,000 की ऑन रोड इन ग्वालियर, और अभी कुछ टाइम से मेला चल रहा था तो उसमें मुझे ये पड़ी है 2,18,000 रुपये में
ऑन रोड इन ग्वालियर। तो गाइज ये तो गाड़ी की फुल डिटेल हो चुकी है, अभी फटाफट से कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं भाई। आगे के शॉकर देखो यार, क्या कमाल के दिए हुए हैं इसके, काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं शॉकर। अभी सामने से देखो ये गाड़ी है प्रॉपर, आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताएं। एंड गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ गाइज। अभी कुछ बातें और बताता हूँ, आफ्टर मार्केट में कितना खर्चा आया है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। जो दोनों नीचे वाली हेडलाइट लगी हुई है ना छोटी छोटी सी, ये वाली नीचे वाली, ये पड़ी है हमें 3,000 रुपये के आसपास दोनों ही। और ये हमारा जो ये लगा हुआ है गार्ड, इंजन गार्ड कह दो या कुछ भी कह दो, ये हमें पड़ा हुआ है 1500 रुपए का बाहर से, तो इन टोटल ये 4500 रुपए हो गए। यहाँ आओगे तो ये लाइट हमें कुछ 500 रुपए के आसपास पड़ी है, तो ये 5000 रुपए हो गए गाड़ी के। ये हमें 450 का पड़ा हुआ है बाहर से आफ्टर मार्केट, ठीक है, तो ये लगभग 5500 रुपये हो गए। ये हमें ज़रूर 1500 के मिले, फुल्ली मेटल के हैं गाइज ये, तो ये हमें 1500 का पड़ा है दोनों, तो ये हमारे हो गए 7000 के आसपास, और ये हमें 500 रुपये का पड़ा है, तो इन टोटल 8000 रुपये में ये गाड़ी पूरी तैयार हो गई। लेकिन जो टायर पे जो ब्लैक कलर का लगा हुआ है ना गाइज, वो हमको पड़ा है 1000 रुपये के दोनों। ये जो टायर कवर लगा हुआ है ना ये वाला, ये हमें 1000 का पड़ा हुआ है, तो इन टोटल हमारी गाड़ी ना 9000 रुपए की एसेसरीज़ में फुल्ली रेडी हो चुकी है। और ये गाड़ी आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। एंड गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।